अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सान अकरम और आप देख रहे हैं सान चौधरी का व्लॉग नंबर 15। तो सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि हर दफा यही व्लॉगिंग कहता है कि आप ये सोच रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आप सोच रहे होंगे कि आजकल YouTube पे बहुत एक्टिव व्लॉग्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसकी यही रीज़न तो नहीं, खैर मतलब बेसिकली मुझे शौक है व्लॉगिंग का। उसके अलावा आपको पता है कि 1 फरवरी से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, तो मैंने सोचा कि उससे पहले पहले अपना कंटेंट मतलब ला के रख लिया जाए यूट्यूब के लिए, ताकि यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली अपलोड होता रहे, वीक बाद या एक वीक में 2 व्लॉग या 2 वीक बाद, जिस तरह भी है। तो एक और बात मैंने आप लोगों से करनी थी कि कल मैं अपना यूट्यूब का चैनल देख रहा था, तो उसमें ऑलमोस्ट 96% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो ऐसे तो ना किया करें, दुख होता है। अच्छा चलें, सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वो वीडियोस मेरी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, और तो यार एक रेड बटन को क्लिक करना है और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस करना है। लाइक शेयर कमेंट तो फिर आपने कर ही देना है। तो शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ, बाल वगैरह कटवाने थे और खत वगैरह कराना था, तो मैंने सोचा आपको भी ले चलें, थोड़ा व्लॉग में ऐड कर दें। तो मिलते हैं फिर आपको अरूज ब्यूटी सलून पे जाकर। कटिंग करवा के इधर आज हमारी पापी की तरफ हमारी दावत थी, तो उन्हें कोई काम शाम था, कुछ चीज़ें वगैरह बाज़ार से लानी थी, तो इसलिए मैं उनकी तरफ आ गया था। तो बाज़ार से कुछ चीज़ें लेने जा रहा हूँ, तो तब तक आप ये एक हरुनाबाद का हीरो चेक करें, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं दावत पे। जी की तरफ आ गए हैं, तो आपको जैसे मैंने बताया था हमारी इधर आज दावत है, तो खाना शाना अभी इतना लगा नहीं, जो लगा है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। खाना आ गया है, ये है रशियन सैलेड और ये सलाद है, ये बिरयानी है, ये रायता है, इसके अंदर कीमा है और ये पता नहीं, अच्छा ये बकरे का गोश्त है और ये साथ फिश है, और इसके अलावा ये ड्रिंक्स हैं, केचप रखी हुई है और इधर भी बिरयानी पड़ी हुई है, ये सलाद है और ये कोक। बाकी आपको बी रोल इसका चेक करवाते हैं अभी।
माशाल्लाह खाना काफ़ी अच्छा बना हुआ था, हर चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत मज़ेदार थी। तो रात को काफ़ी धुंध वगैरह हो गई थी, फोग हो गई थी, तो हम जल्दी घर वापस आ गए थे। तो ये घर आके मैं फिर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगरचे मैं मतलब इतना अच्छा रिव्यू नहीं दे सकता अपने नाना हमजा सैफ भाई की तरह, लेकिन मतलब हर चीज़ अच्छी और टेस्टी बनी हुई थी। तो ये था आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।